हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, मैंने आपको रीइंफोर्समेंट दिखाई थी, जो एक्स्ट्रा स्लैब हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी ओल्ड स्लैब में, मतलब हम अपनी स्लैब को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो वो करते हुए दोस्तों, जो हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कंक्रीट से रिलेटेड, आज उसी के बारे में हमने ये वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, वो प्रॉब्लम है हमारी ब्लीडिंग इन अ कंक्रीट। ये अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा कि व्हाट इज़ अ ब्लीडिंग इन अ कंक्रीट। तो आज हम आपको वही बताएंगे। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप ये वीडियो देखिए, आप जान जाएंगे व्हाट इज़ अ ब्लीडिंग इन अ कंक्रीट और व्हाट इज़ अ कॉज ऑफ ब्लीडिंग इन अ कंक्रीट। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा मैसन इसको प्लेन करने लगा हुआ है हमारी स्लैब को, तो आप देखिएगा कितना पानी इसमें ऊपर आएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, जो पानी हमारा ऊपर एक्सेस आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी को कहते हैं हम ब्लीडिंग इन अ कंक्रीट। अब इसका कारण क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम अपना कंक्रीट का मिक्सचर बना रहे होते हैं, उसमें हमारा जो पानी की मात्रा है, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है, जितनी हमने अपनी रेशियो रखी हुई है, उससे ज़्यादा जब पानी की मात्रा उसमें हो जाती है तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए कितना पानी है। तो इसी की वजह से फ्रेंड्स, ये जो है हमारी ये कंक्रीट में जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। और ये क्या करती है फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्रॉपर बॉन्ड नहीं बनने देती कंक्रीट का। ये आप जहाँ पीछे स्लैब देख रहे हैं, ये हमारी इसमें कोई ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आगे हमने मिक्सचर बनाया था उसमें जो है हमारा वाटर जो है रेशो वो ज़्यादा हो गई है, जैसा कि आप साफ साफ देख ही सकते हैं। जो हमारी जब हमने पत्थर थ्रो किया, किस तरह से छोटी छोटी वेव्स उठ रही हैं वाटर की, जैसा आप यहाँ पर इस वीडियो में देख ही रहे हैं। लेकिन हम इधर हमारी कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो इधर कोई वेव्स वगैरह नहीं उठेंगी। तो फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो कैसी लगी हमें बताइए, इसको लाइक कीजिए, हमारे कमेंट्स में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए कि जब भी हम अपनी नई वीडियो इस तरह की लाएँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।